नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूँ मैं आपका हमारे चैनल पर, इसका नाम है स्टडी फास्टर 24/7। दोस्तों, उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ की आंसर की आ चुकी है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इलाहाबाद की। तो आपने, उम्मीद करता हूँ कि आंसर की जो है पेपर अपने मिला लिए होंगे, क्वेश्चन मिला लिए होंगे, कितने सही हैं आपके कितने गलत हैं। तो आपके मन में कुछ क्वेश्चन होंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद मेंस की स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी। तो इन्हीं सब प्रश्नों के आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए आप हमारे साथ, आपके हर क्वेश्चन का लगभग जवाब मिलेगा इस क्वेश्चन इस वीडियो में। तो दोस्तों, उसके पहले आपसे बता दूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज अपने चैनल पर लाते रहेंगे जिनसे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीवियस कट ऑफ की। तो 2013 में 148 कट ऑफ थी जनरल की, उसके बाद 2014 में 142 थे। दोस्तों, ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा लग रही होगी, क्योंकि उस समय मेंस जो होता था एग्ज़ाम, उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती थी। तो कट ऑफ बच्चे पूरे पेपर, जो पूरा पेपर अटेम्प्ट करते थे, उसके बाद इतनी कट ऑफ बन के निकल के आती थी। तो उसमें और अब में बहुत अंतर है, क्योंकि इस बार माइनस मार्किंग आ चुकी है। तो अगर इस बार की बात करें कि यूपी पीएससी आर ओ आर ओ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, अनुमानित कट ऑफ जो है 2017-18 की, अनुमानित कट ऑफ बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं है, अनुमानित है कितनी हो सकती है। तो इसकी अगर बात करें कि कितनी हो सकती है, तो देखते हैं कितनी हो सकती है। अगर अनरिजर्व की कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी की, तो 115 से लेकर 120 तक जा सकती है कट ऑफ। अगर ओबीसी की बात करें तो 105 से लेकर 115 तक जा सकती है। एससी की बात करें तो 100 से लेकर 105 तक जा सकती है, और एसटी की बात करें तो 90 से लेकर 100 तक जा सकती है कट ऑफ। अगर इसी में फीमेल की बात करें, तो फीमेल के कैटेगरी का हम कह सकते हैं कि इससे 5 नंबर लगभग लगभग कम कर सकते हैं हर कैटेगरी में, तो वो फीमेल की कट ऑफ लगभग लगभग इतनी चली जाएगी। अब आगे बात आती है मेंस की। तो मेंस की स्ट्रेटजी क्या होगी, पेपर कैसा आएगा, तो उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, स्क्रीन पर आप मेंस का सिलेबस देख पा रहे होंगे, अपेंडिक्स 5 सिलेबस फॉर मेंस एग्ज़ाम। तो इसमें अगर पहले पेपर की बात करें तो जनरल स्टडीज का है, उसमें लिखा है ब्रैकेट में लाइक प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, मतलब कि जैसा प्री एग्ज़ाम हुआ था सेम वैसा ही जनरल स्टडीज का एग्ज़ाम होगा। उसमें 2 घंटे का समय होगा, क्वेश्चन जो होंगे 120 होंगे, और समय जो होगा 120 मिनट होगा। उसके बाद पेपर टू है, पेपर टू में क्या है कि जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग है। जनरल हिंदी में ड्राफ्टिंग में अगर देखें आगे, तो पार्ट वन कॉन्वेंशनल है। इसमें देखें तो पहला जो पेपर है पार्ट वन, इसमें समय जो है 2.5 घंटे का है, और मार्क्स जो होंगे इसमें, मार्क्स होंगे 100। इसके पहले जो जनरल स्टडीज का बताया है, उसमें मार्क्स जो होंगे मैक्सिमम मार्क 120 होंगे, समय 2 घंटे होगा, क्वेश्चन जो होंगे वो भी 120 होंगे। और तो अब पार्ट वन की बात करें तो कॉन्वेंशनल है, इसमें समय 2.5 घंटे है, और मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 100 हैं। अब इसमें पहला जो है उसमें लिखा है हेडिंग ऑफ गिवन पैसेज प्रेसी एंड एक्सप्लानेशन ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट। तो इसमें एक पैसेज आएगा, उसका प्रेसी लिखना है, एक्सप्लानेशन लिखना है, अंडरलाइन पार्ट जो होगा उसका एक्सप्लानेशन लिखना है, और प्रेसी लिखना है उसका, मतलब कि संक्षेपण लिखना है उसका। तो उसका 21 मार्क्स होगा, 21 मार्क्स मिलेंगे उसमें। अगर तीनों का बात करें तो हेडिंग की बात करें तो उसमें 3 नंबर मिलेंगे, प्रेसी के 6 नंबर, और अंडरलाइन पार्ट जो होगा उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए 12 मार्क्स मिलेंगे, कुल मिलाकर 21 मार्क। आगे है 2 नंबर, प्रेसी इन टेबुलर फॉर्म ऑफ एनी गिवन गवर्नमेंट लेटर। गवर्नमेंट लेटर दिया होगा, उसके प्रेसी लिखनी होगी, तो उसमें 15 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है करस्पॉन्डेंस 3रा नंबर, इसमें ऑफिशियल डेमी, ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल मेमो, मेमो सर्कुलर, और कम्युनिकी एनोटेशन एंड रिपोर्ट्स रिमाइंडर। तो इसके जो है 24 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद 4 नंबर है डिफेनेशन वोकैबुलरी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉमर्शियल। तो इसमें जैसे हिंदी इंग्लिश टू हिंदी 5 वर्ड्स हैं 10 मार्क्स के हैं, दूसरा है हिंदी टू इंग्लिश 5 मार्क्स है 10 मार्क्स के, और तीसरा है इडियम एंड फ्रेजेज केवल 5 रहेंगे, इसमें 10 मार्क्स के हैं। और 5 नंबर देखें तो कंप्यूटर नॉलेज की बात की गई है, 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें। अब इसमें पार्ट टू है जनरल वोकेबलरी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये अभी तक जो बता रहा था डिस्क्रिप्टिव था, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव टाइप है। अब ये इसमें समय जो होगा 1.5 घंटे का होगा,
और मार्क्स जो होंगे 60 मार्क्स होंगे मैक्सिमम। पहला अपोजिट है, 6 वर्ड होंगे, 12 मार्क्स होंगे, सब में लगभग 6 वर्ड 6 सेंटेंस ऐसे दिया हो और 12 मार्क्स हैं। तो अपोजिट पूछा जाएगा, सेंटेंसेज एंड करेक्शन इन फ्रेमिंग, करेक्शन करने के लिए सेंटेंस का 6 मार्क्स 6 सेंटेंस होंगे, 12 मार्क्स का होगा। 1 वर्ड फॉर सेवरल वर्ड्स, मतलब कि कई शब्दों के लिए एक शब्द, तो 6 वर्ड होंगे और 12 मार्क्स का होगा। अगला है, चौथा है, सेम यूजेज एंड सेम नेचुरल वर्ड, इसमें 6 वर्ड होंगे और 12 मार्क्स का। आ गया है, ड्राइव्ड बाई ए नाउन एंड एडजेक्टिव, 6 वर्ड होंगे और 12 मार्क्स का होगा। अब तीसरा पार्ट इसमें देख लेते हैं, हिंदी ऐसे के बारे में। तो 3 घंटे का होगा, हिंदी में ही लिखना होगा, इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं, साफ साफ लिखा हिंदी ऐसे। तो 3 घंटे का होगा और मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे 120 होंगे। और आगे लिखा है, देयर विल बी 3 क्वेश्चन इन दिस पेपर, सेलेक्टिंग वन हेडिंग ए बी सी फ्रॉम ईच क्वेश्चन, एसेज विल बी हैव टू बी रिटन इन गिवन वर्ड लिमिट, जो वर्ड लिमिट है उसी में लिखना है, और ए बी सी 3 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक चूज करना है। पहला जैसे है, पहले में ए बी सी है, लिटरेचर एंड कल्चर, सोशल फील्ड, पॉलिटिकल फील्ड, वर्ड लिमिट जो है 600 की है, 400 मार्क्स होंगे। और दूसरा है ए बी सी है, इसमें साइंस, इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक फील्ड, इकोनॉमिकल फील्ड एंड एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, इन तीनों में से एक चूज करना, उसके 40 मार्क्स होंगे, मैम वर्ड लिमिट जो है वो 600 होगी। उसके बाद तीसरा है, तीसरे में ए बी सी है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, दूसरा है नेचुरल क्लाइमेटीज, अर्थ स्टम्बलिंग, साइक्लोन, अर्थक्वेक, फ्लड ड्राफ्ट ETC, और तीसरा सी नंबर है, नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। तो इसमें भी 3 में से 1 चूज करना है और 40 मार्क्स मिलेंगे। आप टोटल मार्क्स देख लेते हो, 120 प्लस 160 प्लस 120, टोटल 400 मार्क्स। उसके बाद हिंदी और उर्दू की बात की गई है, तो हिंदी उर्दू के जो पेपर होने हैं उनमें पार्ट, जैसे मैक्सिमम मार्क 100 दिया है, समय 3 घंटे का दिया है, पार्ट 1 दिया है, पार्ट 1 में ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, इसमें है। पहले में सिलेबस अगर देखें तो ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी ऑफ है एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए प्रेस कम्युनिकी, प्रेस आर्टिकल और गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, इसमें प्रेस कम्युनिकी, प्रेस आर्टिकल और गवर्नमेंट रेजोल्यूशन हैगा, उसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना होगा, 30 मार्क्स मिलेंगे इसमें। अगला है, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी ऑफ ए सेक्शन ऑफ सेक्शन और सम सेक्शंस ऑफ ए एक्ट ऑफ ए लेजिस्लेसर, तो इसमें 10 मार्क्स मिलेंगे, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना है। अगला है तीसरा, एक्सप्लानेशन ऑफ कॉमन एक्सप्रेशंस, क्लाइसेस एक्सेट्रा विच माइट बी मेट विद एन आइडर ऑफ द एबव टेक्निकल ऑफिशियल वर्ड, इसके भी 10 मार्क्स मिलेंगे। अब पार्ट 2 की बात करें तो हिंदी से इंग्लिश इसमें ट्रांसलेशन करना है, चौथा नंबर है इसमें, ट्रांसलेशन ऑफ ए पोर्शन ऑफ न्यूज़ पेपर आर्टिकल स्पीच लेटर, इसमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, 30 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह है 5 नंबर, ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस कॉमनली यूज इन एबव सर्कमस्टेंसेस इन टू एडोमेटिक इवेंचुअलेट्स एंड इन इंग्लिश, इसमें भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, तो इसमें 10 मार्क्स मिलेंगे। 6 नंबर है, एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉमन एक्सप्रेशंस क्लाइसिस एक्सेट्रा विच माइट बी मेट विद ए आइदर ऑफ द एबव टेक्निकल ऑफिशियल वर्ड्स, तो इनका एक्सप्लेनेशन देना है, वर्ड्स जो आएंगे टेक्निकल ऑफिशियल वर्ड्स, तो इसमें हिंदी टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देना है, तो 10 मार्क्स इसके भी मिलेंगे। आगे उर्दू के बारे में दिए हैं, उर्दू का सिलेबस आप देख सकते हैं, इसी तरीके का है, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, जो इंग्लिश टू हिंदी था तो इसमें इंग्लिश से उर्दू कर दिए हैं, सेम वही है पैटर्न। तो अब उम्मीद करता हूँ सिलेबस को आप समझ गए होंगे, मैंने कट ऑफ भी लगभग अनुमानित दे दी है कितनी कट ऑफ हो सकती है, मैंने ऑफिशियल कट ऑफ नहीं दी है क्योंकि ऑफिशियल आई नहीं है, अनुमानित दी है क्योंकि आप अगर देख सकते हैं आप क्वालिफाई लगभग करने के कंडीशन में हैं, तो आप मेंस की जो है तैयारी कर सकते हैं। और सिलेबस भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेटर जो आएगा वो ऐसे जो आएगा वो इंग्लिश में नहीं करना है, आपको हिंदी में ही करना है, इस तरह की फाउंडेशन है, तो आपको हिंदी में अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन 600 वर्ड लिमिट है, 3 ऐसे लिखने हैं, आपको इस तरीके से तैयारी करनी है दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये अभी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात है कि उम्मीद करता हूँ सिलेबस आपको पूरा समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों में ताकि सभी इससे लाभान्वित हो सकें। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।